जी मैं अब आ रही हूँ नादिया के पास। जो नादिया ने बेस दी है वो कौन सी बेस यूज करी है फॉर्मल मेकअप के लिए नादिया? मैंने जो है एक्चुअली मिक्सचर किया है ऑफ मुसर्रत मिसबा का। अच्छा, एंड जो एक्चुअली इट्स वेरी गुड फॉर द समर सीजन, क्योंकि बिल्कुल जो है ये मैट हो जाता है, अगेन मैट हो जाता है और बहुत ज्यादा इसको लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है और उसको बहुत ज्यादा पाउडर करने की जरूरत नहीं। अच्छा। वो आप जो आजकल का जो एक मेकअप है बहुत मैट मेकअप नहीं इन है, ड्यूई आपकी यू नो लाइक ग्लोई नेचुरल नेचुरली ग्लोई आपकी स्किन लगे, तो उस किस्म का मेकअप जो है ये बिल्कुल आइडियल है, बिकॉज ना बहुत ड्राई हो जाएगा और क्योंकि बहुत ज्यादा पाउडर भी करने की जरूरत नहीं है, एक दफा आप पाउडर करें। अच्छा, पाउडरी मेकअप से क्या नुकसान होता है? पाउडरी मेकअप से ये नुकसान होता है आपका लगता है केक बने हुए आप। नहीं, पाउडरी केक है ना, पाउडरी जो मेकअप है ना, आपको एक दफा, जिस तरह मैं अभी उनको जो है वो पाउडर इनको मैं कर रही हूँ और खास तौर पे जो उनका टी जोन है, तुमने सॉरी मैं तुमसे कट कर रही हूँ बीच में, तुमने मसरत मिसबा की बेस के साथ भी कोई और स्वीट टच इन दोनों को तुमने मर्ज करके, क्योंकि एक लाइट एक डार्क है, इनको मर्ज करके तुमने बेस दी, फिर तुम ऊपर जो कॉम्पैक्ट लगा रही जो पाउडरी फिर मैंने इनको कंसीलर लगाया है, ये भी स्वीट टच का कंसीलर है, ये भी स्वीट टच का, ठीक है ना, मैजिक कंसीलर है ये स्वीट टच का, वो मैंने अंडर आईज पे लगाया है, नोज पे अराउंड लिप्स लगाया है, जहां तुम्हें लग रहा है कि काले काले जो हमारे निशान हो जाते हैं अक्सर। बिल्कुल। अच्छा, और उसके बाद जो है फिर मैं बेसिकली ये पाउडर लगा रही हूँ, विच इज जस्ट लूज पाउडर, आई मीन कोई ये कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है, मैं बेसिकली लूज पाउडर लगा रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको प्रेस करके लगा रही हूँ, ताकि जो खास तौर पे जो हमारे टी जोन एरिया है, ऑयली जो एरिया है, उसके अंदर जो है वो अच्छी तरीके से जो पाउडर है वो लग जाए, ताकि फिर आपका ऑयल कंट्रोल हो जाए, ठीक है। लेकिन मैं वही बात जो रिपीट भी हो जा रही है, जिस तरह तहरीर में भी कहा था कि एक दफा अगर आपने पाउडर लगा लिया है तो अगर आपके फेस पे ऑयलीनेस आ रही है, वापस से पाउडर मत लगाएं, बिकॉज फिर वो कॉन्स्टेंटली केकी होता जाएगा और फिर आपका बेस क्रैक हो जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है।